देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना का रिकवरी रेट 90% को पार कर गया। दिल्ली देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों को श्रेय दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा के ट्वीट पर पूछा कि फिर देश का रिकवरी रेट 90% क्यों नहीं है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए सुधरे हुए हालातों का श्रेय उन्हें दिया। कोरोना संकट पर हो रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा में एक वक्त ऐसा आया था जब हालात बिगड़ गए थे। ऐसे वक्त में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में काम हुआ और हालात को सुधारा गया। ये बात सच है कि केजरीवाल के कोरोना से लड़ने की तैयारी है कहने के बावजूद भी दिल्ली में एक समय ऐसा आया जब हालात काबू से बाहर हो गए थे। फिर जून में अमित शाह की एंट्री हुई, जिसके बाद धीरे धीरे दिल्ली के हालात सामान्य होते चले गए। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, वो दरअसल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिले जुले प्रयासों से ही संभव हो पाया है। रिकवरी रेट बढ़ने का कारण यह भी है कि दिल्ली में नए पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं और संक्रमित लोग ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं, तो वहीं एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके कारण पॉजिटिव केस कम देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल, इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के लोग स्वस्थ हो रहे हैं और रिकवरी रेट 90% को पार कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।